अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी डीएलएड एडमिशन 13 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी हाँ, 13 जुलाई 2024 तक डीएलएड एडमिशन में क्या अपडेट आ रही है, कब से आपके आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी है, एडमिशन का क्या आदेश है, कैसे इस बार आपका आवेदन शुरू होगा, शुरू से लेके अंत तक पूरा एडमिशन का प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक और बड़ी बात आपको बता दें, आप लोग डीएलएड करने जा रहे हैं लेकिन कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए कि क्या चल रहा है डीएलएड की पीठ पीछे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देश के करोड़ों बेगुना बीएड अभ्यर्थियों को 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक के प्राथमिक शिक्षक पद के लिए योग्य करने के संबंध में एक लेटर, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी ने, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे संसद सदस्य हैं, संसद महोदय जी हैं। तो ठीक है, जो बच्चे डीएलएड से हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिले, ठीक है, क्योंकि बीएड को ऑलरेडी 6 to 8, 9 to 10 में मौका मिलता है और डीएलएड छात्रों को 1 to 5 और 6 to 8 में मौका मिलता है। तो आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो भाई बीएड और डीएलएड में क्या चल रहा है वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। तो आपको बता दें, एक और नोटिस जारी की गई थी 10 जुलाई 2024 को, ठीक है, डीएलएड एग्जाम को लेकर। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है। अभी आप लोग का एडमिशन नहीं हुआ तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत से बच्चों का सवाल था कि क्या सर हम लोग का अभी प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम होगा, तो अभी आप लोग तो एडमिशन ही नहीं लिए तो एग्जाम कैसे होगा आपका। एक और बात आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है, आपको कौन सी बातें बता दें जो आपको जानने के लिए जरूरी है। देखिए अभी जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, 2023 बैच के छात्र हो सकते हैं, 15, 18, 21, 22 कोई भी बैच हो, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस कितनी है वो आपको बता दें। प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षा शुल्क 600 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से दे है, ये बात इंपॉर्टेंट है। आप लोग की जो एग्जामिनेशन फॉर्म फीस लग रही है 600 रुपये लग रही है, लेकिन अगर आपके घर के पास कोई प्राइवेट कॉलेज है या सरकारी कॉलेज है तो वहां जाकर आपको पता करना है कि वहां पर कितना पैसा बच्चों से वसूला जा रहा है। आपको बता दें, कुछ बच्चों का सवाल था कि सर जी हमसे 4,000 रुपये मांगा जा रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हमसे 2,000 रुपये मांगा जा रहा है। यही सब बातें हम आपको बताते हैं कि एडमिशन से पहले ये सब बातें ध्यान रखिएगा, नहीं तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो कॉलेज वाले आपसे मनमानी करेंगे, 600 की जगह 4,000 लेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग के कमेंट्स पर आएंगे, बहुत से बच्चे कहते हैं सर ठीक है वही सब चीज़ें बार बार आप क्यों बता देते हैं, तो ये सब चीज़ें आप एक बार जान जाइए कि जब अगर आप कभी किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे बात करने डीएलएड के, तो आपको क्या बातें करनी है। पहला सवाल आपका होना चाहिए कि अगर हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमसे कितना पैसा वसूला जाएगा, क्या 41,000 में काम हो जाएगा कि कोई एक्स्ट्रा फीस भी आपसे वसूली जाएगी। तो जहां एक्स्ट्रा का नाम लिया जाए, ठीक है, तुरंत वहां उस कॉलेज से निकल जाइए, क्योंकि आपके पास अभी ढेर सारे विकल्प हैं, एडमिशन आपका नहीं हुआ, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन, नॉट अटेंडिंग का मतलब आप क्लास नहीं करेंगे तो भी आपका कितना पैसा लगेगा ये आप पूछ लीजिएगा, अगर आपका मन है तो कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हम डीएलएड करते करते यूपी टेट सी टेट की तैयारी करें आगे या सुपर टेट में लग जाएं, ठीक है, कि 2 साल में सारी तैयारी भी कंप्लीट हो, डीएलएड भी निकल जाए, उसके बाद नौकरी का देख लें। और अगला सवाल आपका ये होता है कि सर टीचिंग वाला मैनेजमेंट कैसे होगा, ठीक है, टीचिंग में आपके 100 में से 99 नंबर मिलते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल की फीस, एग्जामिनेशन फॉर्म फीस है, ठीक है, वो सब कितना लेते हैं, वो सब बातें। तो चलिए अब आप लोग के कमेंट्स पर हम सीधे आएंगे और देखेंगे सर कब तक काउंसलिंग होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे ऑनलाइन आवेदन, जैसे नॉर्मली कोई भी आप फॉर्म भरते हैं, चाहे बी एड के लिए आपने भरा हो या कोई भी, ठीक है। तो जब फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा स्टेट रैंक ये सब चीज़ें आएंगी। देखिए आपको बता दें प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले दोस्तों आप लोग को करना रहेगा रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का डैशबोर्ड आ जाएगा, हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उसको ओपन करके लगातार आप लोग चेक भी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोग अपना क्या करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट वन ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट वन में ही दोस्तों आपका ग्रेजुएशन का नंबर मांगा जाता है, अगर ग्रेजुएशन में ये इंपॉर्टेंट है जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 50% नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आरक्षित वर्ग से हैं और आपका परसेंटेज 45 से कम है तो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, नंबर वन पर रजिस्ट्रेशन पार्ट वन होगा, फिर उसके बाद पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस, पैसा पेमेंट करेंगे 700 रुपये जो भी लगेगा या 500 रुपये। सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट टू हो जाएगा, जहाँ पर आपके हाई स्कूल इंटर ये सब नंबर मांगे जाएंगे, आप अपनी एक फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, प्रिंट अप्लीकेशन फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ जरूरी रहता है, यहाँ पर डीएलएड में जरूरी रहता है। क्यों जरूरी रहता है? जब आप लोग दोस्तों एडमिशन लेने उस कॉलेज में जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, ठीक है, तो वहां पर अगर आपने हाई स्कूल में जो परसेंट नंबर डाल रखा है 12वीं में ग्रेजुएशन में, वो देखा जाएगा, इसीलिए जरूरी होता है। ठीक है, तो अब आप लोग के कमेंट सारा देखते हैं हम लोग कि आपने क्या क्या कमेंट किया है। अगला कमेंट आता है कि ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, तो भाई रिजल्ट जरूरी है, बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा, तो वेट करना पड़ेगा आपको। रिजल्ट नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सर मेरा हाई स्कूल में 80% 12 में 82 और BA का रिजल्ट नहीं आया, बट 65% आ जाएगा। ठीक है, लगभग इनको ऐसा लग रहा है 80% 82% और 65%। ठीक है, तो 227 नंबर इनका बन रहा है, तो क्या इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? हमने बोला है ना कि अगर आप आरक्षित वर्ग में तो 225 से लेकर 235 प्लस, तो आप रेंज में तो आ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, लेकिन यही है कि सेफ जोन में नहीं है। सेफ जोन तब होता है आप जब 235 के ऊपर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भैया आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाना है। सर मैं दिल्ली से हूँ, 210 नंबर है, SC से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? देखिए 210 नहीं, 220 प्लस कम से कम तो गवर्नमेंट कॉलेज का चांस बनता है, 210 में तो नहीं मिल पाएगा, हाँ प्राइवेट मिल जाएगा। सर मेरा हाई स्कूल में CGPA ये सब है, उसके लिए ठीक है एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा काउंसलिंग में? ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग का देखिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर नंबर पूछा जाता है कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, वो सब नंबर आप वहाँ पर डालेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल, सर मेरा 253 नंबर बन रहा है OBC से, क्या डायट कॉलेज मिल जाएगा? नंबर तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आपको आराम से डायट कॉलेज मिलेगा, आपका वेलकम है डायट में। सर 12 वाले DLED कर सकते हैं क्या? फिलहाल अभी नहीं, ठीक है, आने वाले समय में जब DLED 4 साल का हो जाएगा, जो बच्चे कहते हैं DLED बंद हो जाएगा, तो आपको बता दें इसको 4 साल का कर दिया जाएगा, 12वीं के बाद भी DLED में आवेदन का मौका मिल सकता है, तो उस हिसाब से ठीक है होगा आने वाले टाइम में। सर UP DLED का फॉर्म कब आएगा? 2024 प्लीज रिप्लाई, एडमिशन लेट हो रहा है, बिल्कुल एडमिशन में लेट तो हो रहा है, तो जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी हम आपको बताएंगे, फिलहाल वेट करिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सर मेरा 224 नंबर है, जनरल कैटेगरी से हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? देखिए एक काम करिएगा आप लोग जनरल वाले बच्चे, EWS अगर आपका बन जाए तो बनवा लीजिएगा, उससे चांस हो सकता है, लेकिन जनरल से आप उम्मीद करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। सर मेरा 200 नंबर है, क्या होगा? बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। सर BTC में एडमिशन लेते ही क्या मैं CTET दे सकता हूँ? बिल्कुल सर आप दे सकते हैं, CTET दिसंबर वाला जो फॉर्म आएगा उसको फिल करिएगा, लेकिन एडमिशन के बाद। सर एडमिशन की डेट कब आएगी? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आने वाली है डेट, अभी तक मेरा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, तो यही बात हम कह रहे हैं ना, बिना रिजल्ट के काम नहीं चलेगा, रिजल्ट जरूरी है, और रिजल्ट नहीं आता, आवेदन शुरू हो जाता, मान लीजिए कल से आवेदन शुरू हो गया और रिजल्ट नहीं है, तो आप फॉर्म तब तक नहीं फिल कर पाएंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। सर हाई स्कूल में 67, 12वीं में 60, BA में 72 है, SC कैटेगरी है, क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं, फिलहाल प्राइवेट कॉलेज के ही चांस बनेंगे। हेलो सर, बिल्कुल हाय, जनरल में 227 नंबर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? हमने बोला ना EWS बनवा लीजिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के उनका EWS बन जाता है, अगर देखिए आपका बन जाए तो बन बढ़िया है। सर थर्ड सेमेस्टर का क्लास दीजिए मैथ का प्लीज सर जी, ठीक है कोशिश होगी, एक बार आप लोग एडमिशन लीजिए इस बार 2024 में ना, देखिए 2023 तक के बैच को साथ नहीं हम क्लास ले पाए, लेकिन 2024 बैच और 2023 बैच की सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है रेगुलर क्लासेस चलेंगी, इस बात का हम प्रॉमिस आज आपको इस वीडियो में कर रहे हैं। सर वेस्ट बंगाल और बिहार का DLED क्वेश्चन पेपर एक ही होता है या अलग? देखिए हर पेपर अलग अलग होता है, सिलेबस लगभग मिलता जुलता रहेगा। एक बात और आपको बता दें, अभी यहाँ जो हम लोग बातें करते हैं वो सिर्फ UP DLED का करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ वीडियो UP DLED से संबंधित है। मैं OBC से हूँ, मेरी 216 नंबर है, सरकारी कॉलेज मिल सकता है क्या? बहुत ही मुश्किल रहेगा। सर DLED फॉर्म कब तक आएगा? टेंशन हो रही है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप लोग का फॉर्म आएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से कटिंग थी तो थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन आएगा। DLED लैंग्वेज को छोड़कर दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है क्या BEd की तरह?
चलिए देखते हैं, सवाल नहीं समझ में आपका। सर हाई स्कूल में 73 है, 12वीं में 50%, ग्रेजुएशन में 47 है। ठीक है, यहाँ पांडे जी लिखा है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ प्लीज, बहुत परेशान हूँ। सुना है कि 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी फॉर्म भर सकती हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा मेरा सवाल है, प्लीज़ बता दीजिएगा, बहुत दिन से उम्मीद करके बैठी हूँ फॉर्म को लेकर। देखिए ये इम्पोर्टेंट सवाल है हर उस बच्चे के लिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि क्या लिखा है, और क्या EWS कैटेगरी के छात्रों को 45% पर मौका मिलेगा, ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा। फॉर्म कब आएगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं है, तैयारी रखिए, फॉर्म आपके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है तो बताएंगे आपको, आपका वेलकम है। सर पीलीभीत में कितनी सीट्स हैं और 2023 में मेरिट, ठीक है, लिस्ट कितने परसेंट मार्क्स पर रही थी, मेरे 196 नंबर है, क्या मुझे डायट कॉलेज मिल सकता है। देखिए 196 पर डायट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, 225 प्लस मिनिमम, इतना तो बनाइए। दिक्कत क्या होगी ना कि आपके पीलीभीत में अगर डायट सीट खाली जाएगी ना, तो जो आपके अड़ोस पड़ोस वाले जिले के बच्चे हैं वो आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी बच्चा यूपी में कहीं पर भी डीएलएड में डायट कॉलेज ले सकता है। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो बिल्कुल आप वाराणसी में आपका स्वागत है, आगरा में आप जा सकते हैं, गाजियाबाद में आप जा सकते हैं ना, ये होता है। सर हम अपने मनपसंद कॉलेज से फॉर्म लेकर आ गए हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म करवाते समय उस कॉलेज का नाम डालना पड़ेगा प्लीज। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि अभी ये सब कर रहे हैं, आप लोग करेंगे क्या, हमको पता है। आप लोग अपने कॉलेज को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जिस भी कॉलेज, वो आपका पूरा फॉर्म फिल कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं आता है, आप लोग बेमतलब का पैसा खर्चा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग रोज़ हमारी वीडियो देखा करिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो आप लोग गलती करें मत करिए। अभी आपको बता दें प्रोसेस क्या होता है, देखिए कहाँ गया प्रोसेस हमारा, ये सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म तक फॉर्म कंप्लीट कर लिया, तो मतलब आपने आवेदन कर दिया 100%, बात खत्म। उसके बाद जो हमारा ये पहला प्रोसेस है, आवेदन कर दिया आपने, पहला प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग एंट्रेंस एग्जाम बीएड में दिए होंगे, तो उसका क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट के रूप में हमारा आएगा नो योर स्टेट रैंक, ये हमारा सेकेंड होगा रिजल्ट, ठीक है। अगर आपकी रैंक 1 से 20,000 के बीच में आ गई तो आपको सबसे पहले काउंसलिंग का मौका मिलेगा, उससे ज़्यादा है तो थोड़ा लेट में ऐसे मौका मिलता है। तो मान लीजिए कि आपकी रैंक 20,000 के अंदर है, आपने स्टेट रैंक देख ली, उसके बाद आपने OTP को जनरेट कर दिया, 5,000 रुपये इसके लिए लगेगा, पैसा लगता है। इस बार हो सकता है पैसा कम या ज़्यादा लगे, पिछली बार का बता रहे हैं। उसके बाद आप ऑप्शन फिल कर लेंगे, आप अपने कॉलेज का नाम देखेंगे, ओ मेरा कॉलेज मिल गया फेवरेट वाला, जितने भी कॉलेज को आपने सेलेक्ट कर रखा है उसका नाम डाल देंगे, और उसके बाद उसका भी एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट में अगर आपको वो कॉलेज मिलता है तो 5,000 रुपये और देके, मतलब टोटल 10,000 रुपये आपका हो जाएगा, उस कॉलेज को लॉक कर लेंगे, और उसके बाद हमारा अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा, और यही रिजल्ट लेकर आप उस कॉलेज में जाएंगे जिस भी कॉलेज का नाम आपने डाला था, ठीक है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, DV, मतलब यार एक तरह से जैसे नौकरी लगती है ना, DV, ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी बातें सुन रहे हैं, वैसा ही होता है DLED एडमिशन में। डाइट में तो पूरा प्रॉपर तरीके से देखा जाएगा, बाकी प्राइवेट कॉलेज में हो जाता है आराम से, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज वाले सीधे मुंह तो बात करते नहीं हैं, बहुत से बच्चे हमें मैसेज करते हैं, ठीक है, तो सर आप बहुत आराम से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, लेकिन जो कॉलेज वाले होते हैं ना, इतना गुस्सा आकर दिखाएंगे, 10,000 कमाने वाले, लेकिन भौकाल तो उनका इतना ज़्यादा रहेगा प्राइवेट कॉलेज में, तो अभी आप लोग जाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डरना नहीं बिल्कुल, ठीक है। जो बच्चे क्या होता है ना कि अभी कुछ बच्चे अपने आप को बच्चा ही समझ रहे हैं, वो गलती मत करिए, आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है। अब आप लोग एक तरह से जो DLED होता है या BTC होता है ना, एक तरह से ये आपकी ट्रेनिंग है। जब आप टीचर बनते हैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं, सीधे आप अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जाकर पढ़ाना शुरू करते हैं। 4 बार आपको BTC में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में 1-1 मंथ की टीचिंग लगती है, ठीक है। ये सब बातें ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये सब मत करिएगा, किसी कॉलेज से अलग से एडिशनल पैसा आपको नहीं देना है। कुछ कॉलेज वाले अपना फॉर्म देंगे, 3,000 रुपये आपसे अलग से ले लेंगे, ठीक है, 2,000 रुपये ले लेंगे, बेमतलब का खर्चा मत करिए। देखिए आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि आपका 1-1 रुपये बच जाए, ठीक है। ये बात हमने आपको क्यों बताई, पता है 600 रुपये लग रहा है। अभी आप लोग
जिस भी कॉलेज में गए होंगे ना उस कॉलेज में जाइएगा। देखिए एक और अच्छी बात है, तो अभी 2023 बैच के कुछ छात्र हो सकता है क्लास करने आते हो, तो जाइएगा वहाँ पूछ लीजिएगा कितना पैसा लग रहा है, कैसा कॉलेज है। थोड़ा सा होशियार बनिए, थोड़ा सा संपर्क बढ़ाइए अपना, ठीक है, उस हिसाब से एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि अब क्या है ना, आने वाले टाइम में आप लोग नौकरी पाएंगे, ठीक है। जो डीएलएड के बच्चे होते हैं ना, सबसे होशियार बच्चे होते हैं। आपको बता दें, कोई भी ग्रेजुएट बच्चे और डीएलएड के बच्चे में बहुत अंतर होता है। आने वाले टाइम में मामला जब कोर्ट में जाता है, कोर्ट केस हो जाता है ना, एक एक आपको जैसे कोर्ट की सुनवाई होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, सब कुछ आप लोग जान जाएंगे। करिए 2 साल डीएलएड, देखिए कितनी बातें आप लोग जानेंगे। अभी सर टेट कब आएगा? देखिए दो तरह का टेट, एक हमारा सी टेट, एक यूपी टेट है। सी टेट का फॉर्म बहुत ही जल्द आएगा, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद आवेदन शुरू हो जाएगा। सर मेरा 244 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा आपको, सरकारी में यूपी में डीएलएड एडमिशन। जी हाँ, देखते हैं रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, लिंक या वेबसाइट कहाँ है, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उससे लगातार चेक करते रहिएगा। dlredresult.com वेबसाइट ध्यान रखिएगा। सर हाई स्कूल में 82, इंटर में 82, ग्रेजुएशन में 87, क्या बात है, आपको मिल जाएगा। 100% नहीं कहेंगे, 99 कहेंगे, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है ना। सर फॉर्म कब तक आएगा और एडमिशन कब तक होगा? फॉर्म दोस्तों जुलाई में आ जाना चाहिए, लेट हो रहा है, ठीक है, सब्र का बांध टूट रहा है। और हमने एक बात आपको बता रखी है, डीएलएड एडमिशन में कुछ हो या ना हो, आपके पास क्या होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। सर मेरा 239 नंबर ओबीसी कैटेगरी, क्या सरकारी कॉलेज मिलेगा? 99% आपको मिलेगा। सर मेरा ग्रेजुएशन में 47% है, तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकती हूँ, जनरल से हूँ? जी हाँ, देखिए ये दिक्कत में आप आ गए, ठीक है, जनरल में 47% पर फॉर्म फिल नहीं हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। सर डीएलएड के लिए प्राइवेट कॉलेज में भी काउंसलिंग करानी होती है? जी हाँ, प्राइवेट कॉलेज भी आपको ऐसे नहीं मिलता, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप डायरेक्ट जाकर ले सकते हैं। एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिएगा, हम आपको बताएंगे, कोई बच्चा परेशान ना हो, आप लोग के एक एक रुपये भी हम बचाएंगे, कैसे कैसे आपको पैसा बचाना, नहीं तो ये कॉलेज वाले ना आपसे 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार पे लेंगे, ठीक है, कुछ नहीं पैसा खर्च होगा। आप लोग बस जो भी बातें बताएं, आप देखिए जानकार रही, देखिए एक बात बताएं, जैसे आपको पता है 600 रुपये एग्जामिनेशन फॉर्म फीस है, आप हम करें 6 लाख दे दीजिए, लेकिन आपको ये बात पता तो होनी चाहिए कितनी है, कितने कॉलेज वाले लूट रहे हैं आपको, ठीक है ना। सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मेरा ओवरऑल 227 नंबर बन रहा है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, 225 प्लस हमने बोला है ना आपको, पिछले साल कुछ बच्चों को मिला भी था, लेकिन इस बार अगर ज़्यादा बच्चे होंगे अदर स्टेट से तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं तो मिल भी सकता है। सर एक और वीडियो एनसीटी से अप्रूव्ड गवर्नमेंट कॉलेज का वीडियो डाल दीजिए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज का नाम आ रहा है तो वो सारे कॉलेज सही होते हैं, ऐसा नहीं कोई फर्जी कॉलेज का नाम आएगा वहाँ। सर मेरा 250 नंबर बन रहा है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा? आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सर अगर नंबर कम है तो सरकारी कॉलेज पाने के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज़ परेशान हो, ठीक है। तो देखिए अगर आपका नंबर कम है, ज़्यादा ही कम है, तो एक डायरेक्ट एडमिशन आता है। होता है क्या, जैसे कुछ बच्चे ST कैटेगरी के होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, फ्रीडम फाइटर होते हैं, एक्स सर्विस मैन होते हैं, ये बच्चे अपनी सीट्स नहीं लेते, या कोई बच्चा इसका एडमिशन नहीं लेता, वो सीटें खाली होती हैं, तो बाद में एज ए जनरल बनाकर उनको भरा जाता है। सर डीएलएड में एडमिशन कैसे होता है? बस वही, आप लोग फॉर्म भरिए, काउंसलिंग कराइए, एडमिशन हो गया। सर आवेदन करने के बाद पेपर देना होता है? बिल्कुल नहीं, मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन होगा। मेरिट कैसे बनती है? आपका हाई स्कूल का परसेंटेज, 12वीं का परसेंटेज, ग्रेजुएशन में ओवरऑल क्या बन रहा है, ठीक है, ओवरऑल मतलब ये मत जोड़ लीजिएगा 60-60 करके 120 हो गया, नहीं इस तरह, ठीक है। सर डीएलएड में इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं ना, और एग्जाम भी इंग्लिश में ही देंगे? सर प्लीज गिव मी आंसर। देखिए इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होगा, बाकी सारे पेपर आपका हिंदी में होगा। सर अदर डिस्ट्रिक्ट डाइट जस्ट लाइक प्रयागराज डाइट की कट ऑफ ज्यादा जाता है क्या? देखिए कुछ जगह आपको कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, कुछ जगह जहाँ पर ज्यादा बच्चे रहते हैं तो वहाँ कट ऑफ थोड़ी ज्यादा है। सर मेरा हाई स्कूल में 85, 12वीं 75, BA 5th semester इतने हैं, तो क्या सुपर टेट में सीटेट निकाल दूंगी? हाउस वाइफ हूँ, 2 बेबी। देखिए उसके बाद अभी आपका ये है ना, क्या बोलते हैं, BA का फाइनल ईयर का भी तो रिजल्ट चाहिए ना, तो उसके आधार पर आपका जो परसेंटेज बनना है उस हिसाब से आप लोग फॉर्म फिल करिएगा। सर BTC का फॉर्म कब आएगा? क्या बात है, वीडियो बहुत बड़ी हो गई, तो उम्मीद है इसी महीने जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए। सर बिहार वालों के लिए कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा होगा बताइए? देखिए जो बच्चे अदर स्टेट के हैं, अगर उनको मौका मिलता है इनकेस,
तो आप लोग अपने बिल्कुल बॉर्डर के पास आकर दो तीन कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि जहां पर आपको क्लास ना करना पड़े, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, देखिए मैं आपको वो सब बातें बता रहे ना जो बहुत से लोग आपसे बातें छुपाते हैं, ठीक है ना, बाद में कॉलेज वाले उसी का फायदा उठाकर आपसे ज्यादा पैसे वसूलते हैं, ठीक है। तो उस कॉलेज में बात कर लीजिएगा, उसके बाद एडमिशन लीजिएगा। सर मेरा 209 नंबर है, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? नहीं, मुश्किल है सर। सर क्या यूपी डीएलएड के साथ ओ लेवल रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, बाद में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए दो कोर्स जब आप एक साथ करते हैं ना तो कहीं पर भी अगर दोनों की जरूरत पड़ती है तो आप दोनों एक साथ दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक साथ दो कोर्स मत करिए, एक रेगुलर हो, देखिए एक रेगुलर कोर्स कर लीजिए, दूसरा प्राइवेट कर लीजिए। बाकी जो हमारा डीएलएड होता है ये हमेशा रेगुलर होता है, ये कभी भी प्राइवेट मोड में नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना है। एक बात और आपको बताना चाहेंगे, जब आप लोग डायट या सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड में आते हैं तो वहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस लगती है वो कैसी लगती है? बायोमेट्रिक, जो होता है ना अंगूठा का लगा के, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। कॉलेज वाले आपको डरवाते हैं, तो पहले हम आपको आज बता देने तो फिर कॉलेज वाले सीन आप पर आपसे पैसे वसूलेंगे ना, आपका डर ही उनका पैसा होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बचना है। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र, पिछले साल खाली रह गई थी 70,100 सीटें, लास्ट ईयर 203 सीटें खाली थी, इसी वजह से इस बार अदर स्टेट के छात्रों को मौका मिल रहा है। आस पड़ोस के राज्यों के अभ्यर्थी होंगे लाभान्वित, ठीक है। तो डीएलएड बंद होगा, बंद नहीं होगा, इसको चेंज करके 1-4 ईयर वाला कर दिया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन, जब सारा एडमिशन कंप्लीट होता है सीटें खाली रहती हैं तब डायरेक्ट एडमिशन आता है, लेकिन उसके लिए भी आपका ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो काफ़ी बड़ी है, जो बच्चा अगर इस समय तक रुका है तो वो बच्चा हमें व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करेगा 8738079216, ठीक है, 8738079216 नंबर लिख लीजिए आराम से। तो डीएलएड करें या बीएड करें, तो डीएलएड और बीएड की जंग हमेशा चलती है। देखिए दोस्तों बीएड के छात्र चाहते हैं कि उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका मिले, लेकिन डीएलएड के छात्र बिल्कुल नहीं चाहते कि उनको मौका मिले क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। तो चलिए आने वाली वीडियोस में फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आती है अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया उसको जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में लाइक होगा, टारगेट होगा, पिछली बार हमने 100 का रखा था, आपने कंप्लीट किया, आज 150 का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।